सालों में बिहार की जो हालत हुई थी उस हालत को सुधारने में गए, उस हालत को ठीक करने में गए। वो बिहार हमने देखा जिसमें न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, पानी था लेकिन वो बाढ़ का पानी था, लोगों के घरों में नहीं था, बिजली आती भी नहीं थी, सड़कें तो थी ही नहीं, इस प्रकार का बिहार हमने देखा। आज बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, इस सरकार की उपलब्धि ये है कि कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली तो दूर दराज के गांव में भी आती है और आज शहरों में, कस्बों में, हर जगह हमको पूरे तरीके से बिजली मिलती है, ये परिवर्तन हुआ है। इस बिहार के रास्ते, जिन रास्तों पर कभी चला नहीं जा सकता था, उन रास्तों का परिवर्तन हमने देखा है। और कल मैं सुन रहा था बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी जी यादव जी कह रहे थे, जैसा हमारे तेजस्वी जी कह रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव जी रोज बेरोजगारी के ऊपर बोलते और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में साइन करके 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये कौन से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये कैसे रोजगार देंगे, इनके पास क्या आइडिया है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया, उन्होंने कहा जी उनका दिमाग में पक्का है वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, उसकी स्कीम पक्की है, पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा, किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार, जिस प्रकार का बिहार 15 साल लालू जी के राज में हमने देखा। क्या मेरी माताएं बहनें रास्ते पर जा सकती थी, क्या हमारी कन्याएं रास्ते पर शाम के समय निकल सकती थी, क्या किसी को नई गाड़ी खरीदने का अधिकार था, क्या किसी को अपने खुद के लिए कोई चीज करने का अधिकार था। एक ऐसा बिहार था जिसमें किडनैपिंग ही रोजगार था। ऐसे बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव जी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, उनको अपने गुर्गों में मुर्गों में बांटेंगे और फिर एक बार किडनैपिंग की रोजगारी शुरू होगी। ये नहीं चाहिए बिहार को, अरे बिहार बदला है, ये क्रांति की भूमि है, ये ऐसी भूमि है जिसने परिवर्तन लाया है, जिस परिवर्तन ने देश को दिखा दिया कि बिहार की आवाज कभी बंद नहीं हो सकती, लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो सकती। जब लोकतंत्र पे खतरा आया उस समय बिहार खड़ा हुआ और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार ने दिया। उस बिहार को किस हालत में लालू जी की सरकार लेकर गई, दोस्तों अब वो बिहार लालू जी वाला बिहार नहीं, अब ये मोदी जी वाला, नीतीश जी वाला, सुशील जी वाला एक नया बिहार जो यहाँ के तरुणाई के सपनों को पूरा करेगा, यहाँ के तरुणाई को रोजगार देगा, यहाँ के तरुणाई के सपनों को पूरा करते हुए देश के विकास में भागीदारी बिहार लेगा, इस प्रकार के बिहार का निर्माण हम कर रहे हैं। और दोस्तों ये चुनाव